हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भजन एंड वेलकम टू माय चैनल बायोजी। आई होप यू आर सेफ एंड साउंड। और आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। आई होप दीज वीडियोस आर हेल्पफुल टू यू, एंड इफ यू रियली लाइक इट प्लीज गिव लाइक। इफ यू फाइंड द कंटेंट्स हेल्पफुल प्लीज शेयर, एंड फॉर द लेटेस्ट वीडियोज यू कैन प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड आज हम बात करने वाले हैं प्लस वन के टॉपिक की, दैट इज सर्कुलेशन में। इसके पहले वीडियोज में मैंने आपके साथ ब्लड डिस्कस किया, ब्लड टाइपिंग डिस्कस की। आज मैं बात करूंगी हार्ट की। सो आर मोटो विल बी द सेम। क्या है हमारा मोटो जी? एनसीईआरटी एज डायरेक्शनल गाइड, और जो हमारे प्रीवियस नीट पेपर्स हैं उनको हम अपना डायरेक्शनल गाइड लेके चल रहे हैं, और एनसीईआरटी हमारी कोर गाइड की तरह चलेगी। ओके जी, सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट एंड नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड द फ्लूड विच इज सर्कुलेटिंग। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहूं मैं, और आई कैन से द ब्लड वास्कुलर सिस्टम। This has three components. One is heart, other is blood vessels, and third is the vascular tissue. That includes blood and lymph. So this I have already discussed with you, the blood. Now, आज हम बात करने वाले हैं heart की। As far as the heart is concerned, heart, which is the main pumping organ of the body, that is mesodermal in origin. It is hollow, muscular, dark red in color. What about the shape? It's a roughly blunt cone. It's a roughly blunt cone with broad base upward and narrow apex downward, resting on diaphragm. Heart jo hai, almost of band mutthi, that is of clenched fist size. So iska jo size hai, size is approximately like a clenched fist, that is approximately 12 into 9 centimeter. The heart basically kahan lie karta hai? What is the exact location? It lies in thoracic cavity in mediastinum. So what is mediastinum? The space between the lungs, or this is a space in the chest cavity. So it lies in the mediastinum. So we have mesodermal in origin, hollow muscular red organ hai, almost a clenched fist size ka hai, triangular sa hai, jisme broad base upar hai aur narrow base niche hai, sorry narrow apex aapka niche hai. So heart, mesodermally derived organ situated in thoracic cavity in between the two lungs and slightly tilted towards left. So it lies in thoracic cavity in mediastinum, almost in the middle. In the middle, with slight tilt towards left. थोड़ा सा वो tilt है किस तरफ? Left की तरफ. It has size of clenched fist.
तो क्लेंच फिस्ट का इसका साइज रहता है. सो दैट इज द आई थिंक सो आई हैव रिटन द रॉन्ग स्पेलिंग ओवर हियर विदाउट नोटिसिंग इट. ओके सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेनस पैक पेरिकार्डियम एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड. सो लेट वी हैव द नाउ स्ट्रक्चर इन डिटेल. एज फार एज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जो हार्ट है दैट लाइज इन डबल वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर. एंड दीज डबल वॉल्स दे दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. सो दीज पेरिकार्डियम जो वॉल्स हैं डबल वॉल्ड वॉल्स हैं डबल वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज पेरिकार्डियम. तो इट हैज पैराइटल पेरिकार्डियम. एंड विसल पेरिकार्डियम जो डबल वॉल पेरिकार्डियल स्ट्रक्चर है. पेरी मीन्स पेरिफ्री, कार्डियम मतलब हार्ट. जो पैराइटल पेरिकार्डियम है दिस इज द फाइब्रस लेयर. और जो विसल पेरिकार्डियम है ये आपकी सिरस लेयर है. सिरस मीन्स विच हैज अ वॉटरी काइंड ऑफ सिक्रीशंस. In between, there is a pericardial cavity filled with pericardial fluid. So, this fluid basically क्या कर रहा है? It act as shockproof cushion and secondarily this provide frictionless movements of the heart. So this is a function of the pericardium jo ki ek fibrous layer hai. Jo vessel pericardium hai wo ek serous layer hai. Aur what is a iske beech mein pericardial cavity padi hai aur pericardial cavity ke andar पेरिकार्डियल फ्लूइड पड़ा हुआ है. और ये जो प्रू फ्लूइड है वो एक तो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट्स में हेल्प कर रहा है एंड सेकेंडरली इट इज हेल्पिंग इन एज अ शॉक प्रूफ कुशन की तरह आपका काम कर रहा है. ओके नाउ वी आर गोइंग टू हैव व्हाट इज द लाइक हार्ट लुक्स इट लुक्स लाइक. सो दिस इज द हेयर वी हैव एक्सटर्नली इट्स समथिंग लाइक दिस. This is the atria and this is the interatrial groove. Externally, do atria ke beech mein ek groove hai. It's not septum. Septum is partition. To groove ho gaya. Jaise agar main apni finger dekh rahi hu to aap ye dekhi is tarah se ye groove nazar aa rahe hain. So this is interatrial groove. This is ek iske beech mein hai between two atria. Then we have this part something like this. So we have here is another groove like this. So this transverse groove, this is called as the atrioventricular groove. This groove is between atria and ventricles. So atria or ventricles ke beech mein this is groove. This groove is also called as coronary sulcus. Why? Because there runs a coronary artery. ये जो नीचे की तरफ groove आ रहे हैं this is called as the interventricular groove. And
this is called anterior interventricular groove. This is also interventricular groove running over the ventricles, and this is posterior interventricular groove. So one is anterior, other is posterior. Okay, in between runs over here, yahan pe, there runs a branch of coronary artery. So this is coronary. This is left coronary branch, and this is right coronary. So left coronary, or you can say this is the right coronary. Over here. Fine. So left coronary ho gaya aur right. Ab is jo right hai, iski branch niche bhi aa rahi hai ventricles ke upar, and it is supplying the wall of the ventricles. Look at here. See. Now this is a very common thing. Agar is kisi tarah se iske beech mein clot aa gaya ya ye kisi tarah se obstruct ho gayi, so that means it jo wall ventricles ki wall ko jo blood ja raha tha wo kam ho jayega. The condition is called ischemia, and this will lead to various conditions jo heart ke sath, jaise myocardial infarction par hoti hai, kafi sari cheeze iske sath ho sakti hain, that we will cover up in diseases. To yahan pe ye aapka ban gaya branch of coronary. Now this branch बिकॉज ये राइट से नीचे आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं राइट पोस्टीरियर डिसेंडेंट कोरोनरी आर्टरी, और दिस इज योर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडेंट ब्रांच, सो कॉमनली कॉल्ड एज एलईडी ब्रांच. राइट लेफ्ट, फाइन. सो जो लेफ्ट वाली आ रही है, लेफ्ट से जो नीचे आ रही है, सबसे पहले तो ये देखिए लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव हो गया, जिसको इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव कह रहे हैं. उसकी जो ब्रांच नीचे आ रही है, ग्रूव के अंदर जो कोरोनरी की ब्रांच आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट एंटीरियर, और जो राइट इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज राइट पोस्टीरियर डिसेंडेंट. तो नीचे को डिसेंड कर रही है. सो ये हो गया हमारा कोरोनरी का. सो दिस इज अबाउट द कोरोनरी सर्कुलेशन. नाउ हार्ट के अंदर यहां आपको दो ब्लड वेसल्स इधर से और दो इधर से, फ्रॉम दिस साइड. एक्चुअली दिस इज गोइंग लाइक दिस फ्रॉम बिहाइंड हेयर टू द लेफ्ट एट्रियम. सो इट इज गोइंग हेयर और इन साइड इट इज ओपनिंग, एंड बिकॉज वी आर जस्ट क्लोज लुकिंग द हार्ट लाइक दिस. अभी ये क्लोज है, अभी ये हाफ नहीं हुआ, इस तरह से उसका सेक्शन नहीं देखा. सो दैट मीन्स वी आर नॉट, इट इज नॉट विजिबल इन साइड. तो हमें क्या दिखेगा? सो वी वॉट वी विल सी, इस तरह से हमें ये फोर आपको दो इधर से और दो इधर से ब्लड वेसल्स दिखती हैं. दीज आर कॉल्ड पल्मोनरी वेन्स. सो ऑफकोर्स दिस इज लेफ्ट पल्मोनरी वेन, एंड दीज आर राइट पल्मोनरी वेन्स. ये हो गया. देन इन द हार्ट इटसेल्फ आपको यहां से एक और चीज दिखेगी. फ्रॉम हेयर यू कैन हैव अनदर ब्लड वेसल लाइक दिस इज एंटरिंग इनटू द हार्ट इन साइड, एंड फ्रॉम हेयर पीछे से हार्ट के अंदर एंटर करेगी, इस तरह से जाते हुए यहां आकर खुलेगी, यानी कि राइट एट्रियम में. तो व्हाट इज दिस? ये है हमारी दिस ब्लू वेसल. ओवर हेयर इज इंफीरियर वेना केवा, और इट इज कॉल्ड एज पोस्ट केवल. ये क्या काम करती है? इट कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स, मीन्स जो हार्ट से नीचे हैं बॉडी पार्ट्स, एंड ड्रेन
the deoxy blood into right atrium. तो ये आपका right atrium के अंदर blood को drain कर रही है. Okay? And here it is the post caval or we call it as inferior vena cava. This is your superior vena cava or we call it as pre-caval. It is draining the blood into heart from upper body parts. Of course, right atrium ke andar. So, heart ke andar ye basically right atrium ke andar apna blood dal rahi hai. So, this is your superior vena cava. That is pre-caval, jo head or shoulders or ye wala jo region hai. Yahan se blood leke aa rahi hai. Heart se jo niche sara body region hai, wahan se aapka blood leke aa rahi hai. Inferior vena cava. So, this is how you look. Externally, these are the, aapko ye dikh rahi hai. Iske ilawa, what else you will see? From heart, arise like this. From heart, arise like this is the aorta. This is systemic aorta, which is arising from the heart. And here it has some other blood vessels, from three blood vessels arising from here. So this is your systemic aorta. And here also one more branch. It is visible over here. This is basically pulmonary trunk. So this is pulmonary trunk, which is dividing into right pulmonary artery and the left pulmonary artery. So this is niche se hi aapka pulmonary aorta, yeah, we can call it as pulmonary trunk. Something like this. So this is here. And what ye hai ji aapka? This is pulmonary trunk. And this is your left pulmonary artery and here is right pulmonary artery. So we have left pulmonary artery, right pulmonary artery. It looks a quite messy kind of structure, but this is not basically messy. This is too much written over here. Okay ji, so hum ek bar fatafat discuss kar lete hain maine kya kiya. I'll just make a summary. Maine aapse discuss kiya interatrial groove. I have discussed about atrioventricular groove and then interventricular grooves. Okay, so this is here, which is anterior and one is posterior. Now, so anterior and posterior, yahan pe hamare paas teen grooves discuss ho gaye. Ye ho gaye yahan pe. Acha, iske ilawa जो कोरोनरी सल्कस है वहां पे रन्स कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट की ब्रांच एलईडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडेंट, राइट की राइट पोस्टीरियर डिसेंडेंट. ये हो गया. फिर मैंने आपसे डिस्कस किया पल्मोनरी वेन्स, जो कि फोर इन नंबर हैं और दे आर carrying oxy blood from lungs to heart. Heart mein they are draining into left atrium. And we have discussed about the blood vessels which is entering the heart is pulmonary veins. So blood vessels leaving the heart, दो मेन है, सिस्टेमिक अयोटा एंड पल्मोनरी
aorta or trunk, जो डिवाइड होके लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये बना रहे हैं आपके लिए. ओके, सो राइट पल्मोनरी आर्टरी डन. सो ब्लड वेसल्स विच आर एंटरिंग द हार्ट, अगर मैं इस तरह से बात करूं, ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट ये हो गया. सो ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट, एंटरिंग द हार्ट तो कौन कौन सी हो गई, एक तो आपके पास पल्मोनरी वेन्स हो गई जो आपका ऑक्सीजन लेके आ रही है. इसके अलावा यहां पे आपके पास जो अभी आपको दिख रही है, वन इज द सुपीरियर वेना केवा केवा एंड अदर इज द इंफीरियर वेना केवा एंड थर्ड अभी जो सेक्शन ऑफ हार्ट में आप देखेंगे दैट इज कोरोनरी साइनस. सो दे आर कैरिंग डीऑक्सी ब्लड एंड ड्रेनिंग इनटू इनटू राइट एट्रियम. ओके जी, सो यहां पे ये हमारी ब्लड वेसल्स होगी. नाउ इफ आई कट दिस हार्ट सेक्शन लाइक दिस, अगर मैं इसको इस तरह से काट देती हूं वर्टिकल, तो आपको हार्ट कैसा नजर आएगा? If I cut it like this, how the heart will look? The heart will look something like this. Something like this. सो दिस अ रफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आई हैव मेड. सो हार्ट आपको सेक्शन वाइज आपको अंदर चैम्बर्स नजर आएंगे. सो हाउ मेनी चैम्बर्स वी हैव, वी हैव फोर चैम्बर्स. दिस इज द योर राइट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल. सो वेन वी टॉक अबाउट, सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एट्रियम की. जब हम राइट एट्रियम की बात कर रहे हैं, राइट एट्रियम इस थिन वॉल्ड है और बस रफली क्वाड्रेंगुलर इन शेप है, रफली क्वाड्रेंगुलर इन शेप. रिसीव्स डीऑक्सी ब्लड फ्रॉम नंबर वन इज सुपीरियर वेना कावा. I've already discussed this upper part से. इसकी opening पे guarded by opening, no valve in the opening. तो इस पे यहां पे कोई भी valve नहीं होता. Second यहां पे आ गया आपका inferior vena cava. That is here. It has Eustachian valve. To guard the opening. And third is coronary sinus. These are not given in your NCRT, but I'm still writing it because ये थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि आपको पता होना चाहिए कि भी ये क्या क्या चीजें हैं. So coronary sinus. That drains the deoxy blood from the heart wall itself. जो heart को oxy गया और वापस जब deoxy होके आया तो heart में ही गया. Means heart की wall, let's say you just and take an example, I'm making a kind of round fist. अब heart की wall के ऊपर जो blood है वो वापस यहां से heart के अंदर जा रहा है. So that is from heart wall. And its opening guarded by valve. So, अगर आपको valve का नाम नहीं याद करना तो that's not necessary. But let's ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि उनको कुछ extra मिले. नहीं है तो आप simply याद कीजिए, it is guarded by valve, it is not guarded by valve. So, this valve is Thebesius. Thebesian valve
और वेल्व ऑफ थिबेसियस. सो दिस इज लाइक दिस. नाउ फटाफट इसको दिखाते हैं यहाँ पे. सी हियर इज द ओपनिंग ऑफ योर इन्फीरियर वेना कर्व. सॉरी दिस इज द सुपीरियर वेना कर्व. Here is almost an opening of coronary sinus, and here, जो नीचे से आ रही है, is the opening of your. This is the opening of inferior vena cava. So this is the opening of superior vena. तो यहां पे ये हमारा सुपीरियर वेना कावा का ओपनिंग हो गया लाइक दिस. ये हो गया जी हमारा आपका राइट एट्रियम. फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट फोर चैम्बर है. एट्रिया थिन और स्मॉलर चैम्बर्स, वेंट्रिकल्स आर थिक एंड लार्जर चैम्बर्स. सो जो आपके एक रफ में यहां पे लिख देते हैं, हार्ट फोर चैम्बर्ड, टू अपर चैम्बर्स, दैट इज एट्रिया, विच आर थिन वॉल्ड एंड स्मॉलर, एंड टू लोअर चैम्बर्स, दैट इज वेंट्रिकल्स. सो दीज आर वेंट्रिकल्स. They are thick-walled, and they are, of course, larger chambers. Now here, so thick-walled हैं और वो आपके यहाँ पे larger भी हैं. Then now come to left atrium. The left atrium is receiving your. This is the opening of the pulmonary veins. These are four openings of pulmonary veins from left and right side. So when we talk about the left atrium, this left atrium has your wall thicker then right atrium receives oxy blood from pulmonary veins, and of course no valve at their openings. तो उनकी openings पे कोई भी valve नहीं पड़ा हुआ. तो four openings हैं. So that means the heart is receiving at the same time oxy blood as well as deoxy blood. Third, we come to your that is ventricles. Ventricle mein sabse pehle, the atria and ventricles are separated by AV septum. This is the thick and fibrous. Similarly, if you see the two atria which are separated over here also, that is the interatrial septum. So, yahan pe ye aapka ho gaya interatrial septum. Aur ye ho gaya aapka AV septum. और वर्टिकल्स के बीच में हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. अगर आप ध्यान देखें तो उधर हमने ग्रूव थे, यहां पे हमारे पास सेप्टम है, दैट इज पार्टीशन. सो वेंट्रिकल एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर सेपरेट बाय एवी सेप्टम व्हिच इज थिक एंड फाइबर. द टू वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटर ventricular septum.
which is thick and muscular. And this AV septum, which is thick and fibrous, this is not complete. It is perforated, means इसके बीच में hole है. That is called perforated by AV openings, atrioventricular openings, guarded by AV valves, atrioventricular valves. Now, this is AV valves. This is your AV openings. Now, AV valves, they are of two types. One is called as the tricuspid and other is called bicuspid or mitral valve. This is between left atrium and left ventricle. So this is between left atrium and left ventricle, and this is between right atrium and right ventricle. So dono ko milakar we call them as AV valve. Tricuspid because they are three cusp like valves, and bicuspid are two cusp like valves. Here it is like this. See, here we have, this is AV septum, which is not complete and it is perforated. So we have 1, 2, 3, 1, 2. These are bicuspid valves, and here is the tricuspid valves. So this is like this. Now, if you see the wall of the ventricles, तो राइट वेंट्रिकल और हम बात कर रहे थे लेफ्ट वेंट्रिकल की. जो वेंट्रिकल वॉल है वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल वॉल थिकर देन लेफ्ट एट्रियम. तो आप ये देखिए, सबसे थिन हो गया राइट एट्रियम, फिर हो गया लेफ्ट, फिर हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये आ गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल. सो वॉल थिकर थ्री टाइम्स देन लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी देन राइट वेंट्रिकल. सो थिकेस्ट वॉल है, दैट इज व्हाई द ल्यूमन इज नैरो. व्हाई यू विल कम टू नो, बिकॉज इट हैज टू पंप द ब्लड टू द होल बॉडी. तो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड. तो यहां पे हो गया. सो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, दोनों वॉल्स हो गई. अब लास्टली यहां पे एक चीज और करते हैं. ये है जी इसकी वॉल का इस तरह से. द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल इज नॉट स्मूथ एज आई हैव मेड इट. इज बेसिकली ड्रॉन इनटू स्मॉल रिजेस लाइक दिस, बड़ी और छोटी, समथिंग लाइक दिस. Now these are bigger ridges and these are the smaller ridges. See here. Like this. And here I have made the wall is thicker. You can see the difference of the wall. Okay, so what is these ridges basically they are doing to us? There are fibers like this. These are called cordae tendini. They are attached with this. These ridges, that is called as, jo bigger wali ridges hain, we call them as papillary muscles. And the smaller ridges are called columni carni. So what they are doing, the ventricle wall is drawn into muscular ridges smaller and bigger are called papillary muscles, and smaller is called columni
carni, also called trabeculi carni. And here it is called musculi papillaire. So what is the, role of these ridges? The white fibrous cords, cordi tendini, attached to the AV valves, that means bicuspid and tricuspid, as well as to the ventricle wall. वेंट्रिकल की वॉल के साथ भी जुड़े हुए हैं थ्रू किसके थ्रू पैपलरी मसल्स. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे प्रिवेंट बैक प्रोजेक्शन ऑफ वेल्व्स इनटू एट्रिया टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. कि जब आपका ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में चला जाता है, when the blood will enter into the ventricles like this, तो ये वाल्व ऐसे खुलते हैं, गया, और then it just close. ये पीछे नहीं जाएंगे. अगर ये वाल्व लूज हो गए और आपके जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो गया, तो आपका कार्डियक आउटपुट, यानी जो बॉडी को जाना था या लंग्स को जाना था, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी साइड का है, तो वो खराब हो जाएगा. सो व्हाट इज द रोल ऑफ दीज कॉर्डी टेंडनी, दे प्रिवेंट बेसिकली द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड टू द एट्रिया. सो हियर, बस फटाफट इसको कवर अप कर लेते हैं. ये आपका हार्ट वॉल हो गया. सो दीज आर द मसल्स विच आई एम ड्रॉइंग विद द रेड. दिस इज द मस्कुलर वॉल, दिस इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम. ये है जी आपकी मायोकार्डियम. ये मायोकार्डियम के ही आपके सेप्टम बने हुए हैं. दिस इज मायोकार्डियम एंड दिस इज प्रोजेक्शंस. बड़ी वाली प्रोजेक्शन पैपिलरी मसल्स, छोटी वाली प्रोजेक्शंस दैट इज कॉल्ड एज कॉल्यूमिनी कार्नी. और ये है आपका हार्ट का वॉल. So we can see over here like this. Fine. These are pulmonary veins which are entering the heart. So यहां पे हो गया ये. Now, lastly, heart के अंदर से दो blood vessels main arise हो रही है. What is this walls? ये यहां से, अगर आप इसका location देखिए, किस तरह से इसका location है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है. इसका ये लेफ्ट हिस्सा, ये राइट हिस्सा, ये इसका एंटीरियर पार्ट और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट. अब जरा यहां से देख लेते हैं. आर हार्ट हैज फोर चैम्बर्स, टू रिलेटिवली अपर चैम्बर एट्रिया एंड टू लार्जर चैम्बर्स आर वेंट्रिकल्स. अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम. तो मैंने ऑलरेडी बता दिया थिन मस्कुलर है. डिवाइड द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया विद अ थिक वॉल द राइट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. सेपरेट द थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. दिस विज ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये जो है वो आपका थिक वॉल्ड है. आपका ये थिक वॉल्ड है, सॉरी थिक एंड मस्कुलर है. तो ये आपका थिक एंड मस्कुलर. द एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर ऑफ द सेम साइड आर सेपरेट बाय थिक फाइब्रस. सी हियर, थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम. हाउ एवर ईच ऑफ द सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद ओपनिंग थ्रू विच the two chambers of the same side are connected, that is AV openings. The opening between right and atrium and ventricle is guarded by three muscular flaps or cusps, that is tricuspid, whereas bicuspid guards the opening between left and right ventricle. The opening of left and right ventricle into the pulmonary artery and aorta respectively provided by semilunar valves. The valves of the heart or in the heart allow फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन. तो ये हमेशा याद रखना, फ्लो इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स और फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा. दैट प्रिवेंट्स एनी बैकवर्ड फ्लो. सो हियर यू सी, यहां से जो अराइज हो रही है दैट इज आर सिस्टेमिक एओर्टा
or we commonly call it as dorsal aorta here. And अगर हम इसका location देखें कि कहाँ से आ रही है, तो इसका location आप अच्छे से देख सकते हैं. It is arising from right upper corner of your left ventricle. So left ventricle की right upper corner से ये जो है निकल रही है, और यहाँ से इसकी तीन blood vessels हैं, जिसको it's not in your syllabus, but I will somehow later on discuss also. So इसकी जो opening है, that is guarded by semilunar valves. ये जी three cusp-like valves हैं. So these are SL valves. We call them as aortic SL valve, and from here arise. अब यहाँ का location देख लो, ये right ventricle है और ये है उसका left part, ये उसका right part है और ये upper part है और ये lower part है. यहाँ से जो arise हो रहा है वो है जी आपका pulmonary aorta. So here is arising your pulmonary aorta, and इसकी भी जो openings हैं, these are guarded by semilunar valves. So these are also SL valves. So coming back here and finally finishing it. Okay जी, so they prevent from systemic aorta. कहाँ से arise हो रहे? Arise from right upper corner of left ventricle. Opening guarded by aortic semilunar valves. Why they call semilunar valves? Because they're half moon shaped valves. So aortic semilunar valves over here. Then we have pulmonary aorta or pulmonary trunk. जो pulmonary trunk है, this is arising from left upper corner of right ventricle, and opening is guarded by pulmonary semilunar valves. So valves prevent back flow of the blood. So that's all with the structure of heart today. That's going to be a pretty long lecture, but this includes external structure of the heart as well as internal structures of heart, different blood vessels, and of course the different type of valves which are present over here. Thank you very much, and once again, if you really like the content, then please like it, share if you really feel it's helpful to you and it can be helpful to anyone else, and subscribe and press the bell icon for the latest videos, and you can leave your queries and comments in the comment box, and even you can also tell me what the other lectures you require. Thank you. Thank you very much.